हे भगवान, ये कैसे फटे हुए कपड़े पहने हैं मैंने। काश मेरी माँ होती तो मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ। एक मालकिनी तो है मेरी जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मुझे काम पर रख रखा है। चलो मैं समय से काम पर पहुँच जाता हूँ। अरे बेटा, आ गए तुम काम पे? हाँ, नमस्ते मालकिन। नमस्ते। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। किस लिए? अरे तुम कितने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे क्लास में। हाँ, बहुत ही होनहार बच्ची हो तुम। बहुत ही खुशनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। हाँ, कितने अच्छे नंबर आए। छोड़िए आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हो, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ काम वाम कर लो। ओके ठीक है। और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहना, ठीक है। एक दिन तुम्हें जरूर नौकरी मिलेगी, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर, देखना। जी मालवीय। जाओ। आ गया मम्मी का चमचा। बहुत मेरे से ज्यादा नंबर लाके बहुत एकड़ी बता रहा है। इसको तो मैं अभी देखूंगी, रुक जा। इसकी सारी एकड़ी निकाल के रख दूंगी। मुझसे ज्यादा नंबर लाए, इसको घमंड है वो खुद पर। सारा घमंड के तोड़ कर रख दूंगी। जी छोटी माल के नवे मान देता हूँ। मान जल्दी इन्हें भी अच्छे से चमका दीजिए। इसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और बर्तन लाती हूँ और मंजवाती हूँ, देखती हूँ कैसे निकालते हैं। इसकी एकड़ी तो मैं ही निकालूंगी, रुक जा बेटी। यही काम करता रहेगा कि और नहीं करेगा? मांझे ने काम चोर कहीं का। मांझे ने जल्दी। जी 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 छोटी मांझे। यही सारे काम करता रहेगा कि और कुछ भी करेगा? जी मालकिन, अब क्या रह गया? सब तो कर दिया मैंने, बर्तन धो दिए। वहाँ देख कितना कचरा पड़ा है, उनको साफ करके आ जा। अरे मालकिन, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आप कचरा क्यों कर रही हो? तेरा काम है झाड़ू लगाना, ज्यादा पक पक मत कर, अब चुपचाप से झाड़ू लगा। तो मैं काम करा करा के मार लूंगी इसको। बहुत होशियार समझता है खुद को, मुझसे ज्यादा नंबर ले आया तो बहुत खुश हो रहा है। रुक जा बेटा।
बहुत गाढ़ा बन रहा है इसको तो मैं बताती हूँ, रुक जा बेटे। एग्जाम में मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आ गया तू, बहुत खुश हो रहा है ना? तेरी खुशी में निकालती हूँ अभी। ओ कामचोर, इधर आ चुपचाप। जी मालकिन। चल मेरे पैर दबा। ठीक है। जोर से दबा। कुछ खाया नहीं क्या? जोर से दबा। तू तो यहाँ दिन भर काम करता है, तो तू पढ़ता कब है? मैं रात में पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ। मत पढ़ा कर, तू यहाँ काम तो कर रहा है, पढ़ के क्या करेगा फालतू में? तू तो यहीं काम कर लिया कर, मत पढ़ा कर, पढ़ने से क्या होगा तेरा? हमारे यहाँ काम तो कर रहा है तू। ठीक है। जोर से तो दबा देने। चल जा, आंगन गंदा हो रहा है, उसको साफ करके आ। चल जा, चल। ठीक है। हाँ, और अच्छे चमका देना। बहुत चमका रहा है ना ये चचुंदर, यही सगल कर, रुक जब मैं बताती हूँ तेरे को, सारी चमक निकालती हूँ मैं तेरी। ढंग से साफ करना इसको, पागलों की तरह काम कर रहा है, ठीक से साफ कर। चल कामचोर, इधर आ। जी मालकिन, क्या बात है? लेकर आएगा? नहीं। खाएगा? लेकर आएगा। नहीं खा ले? नहीं, मैं नहीं खा रहा। चल दूसरे खा ले। तुम जैसों की औकात भी नहीं है हमारे बराबर खाने की। जा और दूसरा काम कर। चल बड़ा आया मेरे साथ खाने वाला, बहुत प्यार है ना मम्मी को इस पे। अभी पूरा प्यार निकालती हूँ गोरिल्ला से। सकल काट जाए थे, आ जाऊंगी तो। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हो आप? तुम उससे ज्यादा जवान मत चला, मैंने जो कर दिया ना, तो चुपचाप साफ कर। कर चुपचाप साफ। लो अब आप हट तो जाओ, मैं साफ कर लूं। अरे बेटा एक मिनट तुम बैठो, और तुम भी बैठो, इधर बैठो। अरे बेटा ये क्या, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम बेचारे को परेशान करने लग रही हो। हाँ क्यों कर रही हो परेशान, गरीब है इसलिए? हाँ अरे मालकिन मत डांटिए आप उसे। तुम चुप रहो बेटा, एक मिनट मुझे इससे बात करने दो। हाँ क्यों इसे बेवजह तंग करने लग रही थी बताओ मुझे? क्योंकि मम्मी ये मेरे से ज्यादा एग्जाम में नंबर लेके आ गया। हाँ तो एग्जाम में ज्यादा नंबर लेकर आया, ये उसकी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम मेहनत करती तो तुम भी ज्यादा लेकर आती। हाँ बस इसी बात के लिए तुम उस पर बेवजह इतना जुल्म करने लग रही हो। हाँ वो गरीब है तो क्या हुआ? हाँ उस पर इतना अत्याचार मत किया करो। अगर उसके माँ बाप होते तो आज वो हमारे यहाँ काम नहीं करता, वो भी अपना पढ़ाई लिखाई घर पे रहकर करता। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें माँ बाप मिले इतने अच्छे कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कहीं काम नहीं करना पड़ता। समझ रही हूँ ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है मम्मी। आगे से ना कभी इसके साथ ऐसा व्यवहार मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मत मांगो आप माफी। आज से तुम्हारे भैया है ये, इन्हें भैया की तरह रखना, इन्हें एक नौकर की हैसियत से नहीं, समझे? ठीक है। हाँ बेटा ये मेरी बेटी को माफ कर देना। आप तो नहीं करोगी ना तुम कभी ऐसा? नहीं। हाँ और अगर ये कभी कोई गलती करे तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? भैया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कभी नहीं करूंगी, सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, कोई बात नहीं।
अब से तुम दोनों मिलके रहना, तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। हाँ, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना मुझे बता देना। जी मालकिन। ठीक है, ये हुई ना बात। चलो दोस्ती करो, अब दोनों दोस्ती करो। हाँ ये हुई ना बात, हंसो बेटा जरा। हाँ मम्मी, आज से मेरी भैया को काम कराया करूंगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों मिलके काम करना और मिलकर ही पढ़ना। ठीक है, हाँ ये हुई ना बात। भैया बताओ कौन है? अरे साधना, तुम? भैया देखो, मैं आपके लिए नई टी शर्ट, घड़ी और ये चश्मा लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी शर्ट है। हाँ चलो जल्दी से पहन के बताओ। चलो साधना। ओ वाह भैया, आप कितने हैंडसम लग रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। देखो कितनी अच्छी नई घड़ी और आप तुमने मुझे कितनी अच्छी शर्ट दी है। ये कितनी अच्छी लग रही है, फटी भी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलो हम लोग खेलते हैं। ये yeah, yeah, yeah.